हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस क्लास के माध्यम से हम लोग यूनिट को जानेंगे। विद्युत ऊर्जा से संबंधित यूनिट है, तो एक यूनिट का मान कितना होता है इसको हम लोग जानेंगे क्या होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। चलिए, तो विद्युत ऊर्जा या कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में ही यूनिट कहते हैं। तो ये किलो वाट आवर यही कहलाएगा आपका एक यूनिट। तो देखिए, हम लोग शक्ति का सूत्र हमें मालूम है। शक्ति जो होता है कार्य करने की दर होती है, कार्य बटा समय। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग ये कार्य का मान निकालेंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, शक्ति गुणित समय। तो देखिए, शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, वाट सेकेंड। ये छोटा मात्रक हो गया एक तरह से। अगर इसी का बड़ा मात्रक लें तो किलो वाट ले सकते हैं वाट को, और सेकंड को ले सकते हैं घंटा, सेकंड को ले सकते हैं घंटा। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1 किलो वाट आवर को लिखा हूँ, वाट के स्थान पे 1 किलो वाट और सेकेंड के स्थान पर आवर। चलिए, अब इसको हम लोग सरल करते हैं कि वाकई कितना जूल होता है एक यूनिट में, कितना जूल एनर्जी होता है, इसको काउंट कर लेते हैं, या तो कितना कार्य करना पड़ता है ये काउंट कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट गुणित 1 आवर, 1 किलोवाट में 10^3 वाट होता है, 1000 वाट होता है, और एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट गुणित 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड। और ये 10^3 कार्य का जो मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड होता है। तो ये देखिए, इसके स्थान पर हम लोग जूल बटे सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये सेकंड सेकंड खत्म, और ये बच गया आपका जूल। देखिए, अब ये हो गया 3600 है, ये 10^3 है, तो 10^5 हो जाएगा। देखिए, 36 गुणित 10^2 इधर है, तो 10^5 जूल। अब इसको अगर एक स्थान और 10 निकाल लें, कोटि की रूप में लिखें, तो 3.6 × 10^6 जूल इसको हम लोग लिख सकते हैं, या 1 किलोवाट को ही यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 3.6 × 10^6 जूल। इतना एनर्जी की आवश्यकता होगी कार्य करने के लिए। चलिए, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे संबंधित। किसी घर में 100-100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन के महीने में विद्युत यूनिट की संख्या क्या होगी। देखिए, डाटा दिया है 100 वाट, 4 बल्ब, 5 घंटा, 30 दिन। तो इसके आधार पर हम लोग यूनिट, विद्युत यूनिट की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए, सब चीज तो दिया है, सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं विद्युत यूनिट की संख्या। देखिए, वाट सूत्र हो जाएगा वाट घंटा दिन, संख्या है विद्युत उपकरणों की, तो संख्या लिखेंगे और बटा में 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि किलो वाट को हम लोग वाट बटे 1000 लिखेंगे। अब जितना सम्मान दिया है, वाट दिया है 100, घंटा दिया है 5 घंटा, कितना दिन, 30 दिन, कितना उपकरण, तो 4 उपकरण, उपकरणों की संख्या भी लिख सकते हो, बटा 1000, ये 1000। अब देखिए, 0 से 0 खत्म, ये वाले 0 से ये वाला 0 खत्म,
पाँच चौक 20 और 20 दिया 60, तो 60 यूनिट हमें, देखिए 60 यूनिट की हमें प्राप्ति होगी। उपर्युक्त क्वेश्चन का जो आंसर मिला हमें 60 यूनिट मिला, क्लियर है। चलिए यह है आंसर। चलिए एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं जिसमें 60 वाट को हमें यूनिट में परिवर्तन करना है। यदि बल्ब जो है एक घंटा तक जलता है, 60 वाट का कोई बल्ब है, उसको उसका हमें एक घंटा जलने पर यूनिट हमें ज्ञात करना है कितना यूनिट उसका बनता है। सबको ज्ञात होगा कि यूनिट के माध्यम से ही हम लोग बिजली बिल का पेमेंट करते हैं, तो ये वही वाला यूनिट है। चलिए यूनिटों की संख्या, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर देखिए तो यहाँ पे दिया है केवल वाट बस दिया, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे और आवर है एक घंटा, 0 0। अब ये हो जाएगा आपका 0.06। तो 60 वाट का बल्ब अगर एक घंटा तक जलता है तो उसका जो यूनिट होगा 0.06 होगा, यही है आपका आंसर। क्लियर है सबको? ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।